हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरजे 13 एग्री पॉइंट्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर ने अपने सभी ही रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो जिनकी मैथ्स में बैक थी और कईयों की स्टेट में बैक थी, उनकी रिपीट हुई है और वैसे भी स्टेट्स में काफ़ी बैक आई हैं। पर सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई हो जो आरजे 13 से जुड़े थे, हमसे जुड़े थे और उनकी स्टेट और इंजीनियरिंग पास हो गई। और जिनकी मैथ्स में बैक थी वो भी क्लियर हो चुके हैं। कुछ गस्सिंगपुर के थे, कुछ पदमपुर के और कुछ अपने यहाँ के गंगानगर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। तो वो सभी ही ऑल क्लियर हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे स्टेट में है, स्टेट में ये 7 OGPA है, उसकी भी स्टेट के अंदर बैक है। ये 7.3 आगे देखो, ये 7.3 लेके बैठा है, 7.4 लेके बैठा है, तो उसकी भी स्टेट के अंदर बैक है। ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है जो काफ़ी अच्छा रहता है हमेशा, फिर भी स्टेट के अंदर काफ़ी बैक्स हैं। स्टेट के अंदर बैक्स आने का एक कारण ये होता है कि आपको प्रॉपरली नोट्स नहीं मिल पाते और प्रॉपरली आपको वे नहीं पता होती कि कैसे आपको ये पेपर अटैम्प्ट करना है। अगर आपको प्रॉपरली ये पता चल जाए कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, तो स्टेट के अंदर बैक आनी मुश्किल होती है कि स्टेट के अंदर आपकी बैक आ जाए। अच्छे नंबर बनते हैं स्टेट में अंदर वैसे तो, लेकिन जब पता नहीं होगा कि पेपर के अंदर करना क्या है तो ये सब हाल रहते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही यूनिवर्सिटी अपनी वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज का रिज़ल्ट देखने के बाद आप किसी और कॉलेज में जाते हैं तो बैकों का अंबार लगा हुआ है। तो कोई एक दुक्का स्टूडेंट है जो ऑल क्लियर दिख रहा है और सभी की बैक्स ही बैक्स हैं। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये स्टेट और इंजीनियरिंग बहुत ही ख़राब करते हैं। 4 साल के अंदर आपके सीनियर से पूछिए जिनकी इनके अंदर बैक आई थी। तो पहले भी मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे और वो पास होके गए हैं। तो आप सभी भी मुझसे जुड़िए और जल्दी से जल्दी अपने ये बैक्स को क्लियर कीजिए। धन्यवाद।